बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 4 कर रहे हैं, टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, और आज हम इसमें इक्विलिब्रियम या तवाज़न के ऊपर काम करेंगे। द एसेंस ऑफ इस्लाम बैलेंस एंड हारमोनी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एसेंस जो है किसी चीज़ का निचोड़ होता है, तो इस्लाम का एसेंस ये है कि आपका हर एक्शन जो है वो मुतवाजन होना चाहिए। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो काम किए हैं उनके मुताबिक अपने ज़िंदगी के हर काम करने तो वही हैं, खाना पीना भी है, सोना जागना भी है, बातें भी करनी है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी छोटी दुआएँ याद करनी है, हर मौके पर उनको पढ़ें और कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम या तवाज़न की। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जब बहुत सारी कुव्वतें एक जिस्म पर असरअंदाज हो रही हों लेकिन उसकी हालत सुकून में कोई तब्दीली ना आए, तो हम कह सकते हैं कि ये जिस्म तवाज़न की हालत में है। तवाज़न को या इक्विलिब्रियम को इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का हासिल जमा बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट के। आप देखें कि अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड, एक हमवार सतह पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी सफ़र कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उड़ रहा है तो वो भी इन इक्विलिब्रियम है। क्योंकि a body is said to be in equilibrium if no net force act on it. Net force तमाम forces का हासिल जमा होती है, और जब net force zero हो तो हम कहते हैं कि body is in equilibrium. Conditions for equilibrium, हम conditions देखते हैं। There are two conditions, दो conditions हैं। पहली condition है, first condition of equilibrium is, it is called static or transition equilibrium, where the sum of forces equal to zero, clockwise forces plus counter clockwise forces are equal to zero. तमाम कुव्वतों का हासिल जमा सिफर है, और इसको सिग्मा एफ के साइन से लिखा जाता है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है, द लीनियर स्पीड इज नॉट चेंजिंग with time, there is no resultant force and therefore zero acceleration. Translational equilibrium exists. एक जिस्म हालत सुकून में हो या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत में हो तो नेट फोर्स सिफर हो तो वो ट्रांसलेशनल तवाज़न है, और इसको सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, नो चेंज इन द वेलोसिटी और नो एक्सेलरेशन। The first condition for equilibrium can also be stated in terms of x and y component of the force acting on the body as F1x plus F2x plus F3x is equal to 0 or F1y plus F2y plus F3y is equal to 0, yani sigma fx aur sigma fy dono 0 ke barabar hain। अगर हम एक फोर्स को आमतौर पे जब एक्स और वाई कंपोनेंट्स के में डिवाइड करते हैं तो एफ वाई और एफ एक्स दोनों कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट ऑफ 10 न्यूटन इज़ हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। अब ये एक ब्लॉक है जिसका वज़न 10 न्यूटन है, वो एक कॉर्ड के साथ लटका हुआ है। हमने इस सिस्टम में टेंशन, कॉर्ड की टेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हमें वेट पता है 10 न्यूटन और टेंशन हमने मालूम करनी है। अप्लाइंग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अभी हमने देखा था कि सिग्मा एफ एक्स जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, और सिग्मा
एफ वाई जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इस जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, उसको इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो वाई सिग्मा एफ वाई है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो या टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो टेंशन जो है वो भी 10 न्यूटन के बराबर होगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं इक्विलिब्रियम की है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वेयर द सम ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। हासिल जमा मोमेंट्स का सिफर हो, यानी रिजल्टेंट टॉर्क इज़ ज़ीरो, हासिल जमा पेटा जो है वो सिफर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। द एंगुलर स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, देयर इज़ नो रिजल्टेंट टॉर्क एंड देयरफॉर ज़ीरो चेंज इन रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। पहिया जब हालत सुकून में हो या एंगुलर स्पीड ना तब्दील हो रही हो, तो हासिल जमा पेचा सिफर हो, तो हम कहेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इसमें सिग्मा टी जो है वो ज़ीरो के बराबर है, यानी मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिग्मा टी नो चेंज इन रोटेशन, सिग्मा टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, कि पेचा जो है, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ रोटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो होगी। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक यूनिफॉर्म रॉड जो है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, उसको हमने एक वेज के ऊपर रखा जो कि एक साइड से 0.5 मीटर है, और हमने उस पर एक एंड पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। तो फाइंड द वेट ऑफ द रॉड नियर द रिएक्शन। तो रॉड इज़ बैलेंस्ड ओवर अ वेज, और जो फोर्स है उसके एक एंड पे 100 न्यूटन है, और आप देख रहे हैं कि ओ ए जो है वो 0.5 है, और ए डी इज़ इक्वल टू बी डी, और ये है 0.75 मीटर। अब हमने देखा कि ओ जी डिस्टेंस जो है वो अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो हम ए जी माइनस ए ओ करेंगे, तो हमारे पास 0.75 मीटर आ जाएगा माइनस 0.,  ये हमारे पास 0.25 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमने डब्ल्यू वेट मालूम करना है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और हमने आर रिएक्शन एट द वेज जो है वो फाइंड आउट करनी है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए वी अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें सिग्मा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने आप कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ ये लिखते जाएं, एफ इंटू ए ओ प्लस आर इंटू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू इंटू ओ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने वैल्यूज प्लेस की तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके डब्ल्यू वेट जो है 200 न्यूटन आ गया। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एफ एक्स के अलांग हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, फोर्स है और वेट है, हमने वैल्यूज प्लेस की, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो 300 न्यूटन आ गई। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई करने के बाद रिएक्शन आर हमारे पास 300 न्यूटन है, वेट हमने 200 न्यूटन कैलकुलेट किया। कॉपी पेंसिल लें और आप ये सारे स्टेप खुद से करें, फिर आपको क्लैरिटी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।